तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल है इंटेक्स्ट 4.9 का, जो केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है, क्लास 12 का क्वेश्चन है। इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, अच्छा सा, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग बेसिकली देखे होंगे फॉर्मूला में तो बड़ी बड़ी आसानी से यहाँ पर सवाल को बना दिया जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा लॉग वॉग का टर्म है, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक सलाह देंगे जरूर कि लॉग और एंटी लॉग का जो आपका टेबल है वो टेबल आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में दिया गया है। ठीक है, और अगर ये टेबल से आपको पढ़ना नहीं आता है, निकालना नहीं आता है, तो आप जो है एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को आप लोग क्लिक करके लॉग और एंटी लॉग का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो आप लोग क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि सर एग्जाम में ना ही कैलकुलेटर चलता है ना ही लॉग टेबल चलता है, तो फिर कैसे एग्जाम में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनर को भी पता है कि बिना लॉग का टेबल, बिना कैलकुलेटर का आप लोग लॉग का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए लॉग के जो भी सवाल आपको दिए जाएंगे जिसमें लॉग का कोई टर्म का यूज होगा, तो सवाल के हिंट में ही लॉग के उतने वैल्यू का आंसर आपको एग्जाम में दिया रहेगा, इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अब सवाल कहता है कि एक कोई रिएक्शन है, एच आई कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में। कहता है कि इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान जो है वो 209.5 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल मतलब इसे 1000 जूल से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एट 581 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ये है। कहता है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, इतना दूर का कहने का मतलब है ये है कि आप लोग कॉलिजन थ्योरी में पढ़े हुए हो कि हमारे रिएक्शन का रेट जो है सभी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। जिस रिएक्टेंट की एनर्जी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा होती है, वही केवल रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो कॉलिजन में, इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कहाँ से निकालते हैं, तो आरएनएस इक्वेशन जो आप लोग पढ़े हुए हो, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यहाँ पर ये जो हो जाएगा के बाय ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कॉलिजन थ्योरी के मुताबिक यही के बाय ए जो है वो कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है। तो अगर के और ए दिया हुआ रहता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते के बाय ए करके, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है, तो हम लोग को इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। दोनों दोनों मान आपस में बराबर है, तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। देयर फोर हम लोग निकालने जा रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कॉलिजन के लिए जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो होगा ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे ई टू दी पावर ई ए के प्लेस पर चल जाएगा 209.5 इंटू 1000 कर दिया जाएगा, क्योंकि किलो जूल था, जूल में कन्वर्ट करना था हमें। आर का मान जूल में 8.314 होता है, टेम्परेचर 581 केल्विन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है, गुना भाग करके अपना सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पर ये तो हम लोग, ये तो कोई लॉजिक इसमें है नहीं कि सर बोलोगे सर इसमें कैसे हुआ, गुना करके सिंपल ये 43.3 यहाँ पर 7 आ गया, 43.37 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो है ये वाला मान मिल चुका है, ये मान मिल चुका है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये कैसे सॉल्व करें, बड़ी समस्या वाली बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ई जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसे कैसे सॉल्व करें, बड़ी समस्या वाली बात है। तो जान लीजिए 10 के पावर टर्म में कोई अगर रहता है तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए लॉग लेना होता है, और यहाँ ई का पावर में कुछ भी रहे तो इसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको ln का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमको इसका मान निकालना है, हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा आंसर, यहाँ तक से आंसर डायरेक्ट किताब में लिखा होगा इतना आंसर, ठीक है ना, बट यहाँ पर हम लोग करते क्या, इसको x मानते हैं। लेट x बराबर कितना है, e टू दी पावर माइनस 43.37, हमको x का ही मान निकालना है, इसका मान निकालना है या x का मान निकालना है, बात तो बराबर ही है। हम टेकिंग ln ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड, हम दोनों बगल क्या ले रहे हैं, ln ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफोर ln x, देयरफोर
एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन ई टू दी पावर माइनस 43.37 हो जाएगा। अब लॉग के फंक्शन के बारे में तो आपको पता है, एम का पावर एन रे तो ये नीचे आ जाता है, और एल एन ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जैसे कि लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि लॉग के बेस में 10 होता है और इसके बेस में ई है, बेस सेम इंडेक्स सेम वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 43.37 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 1 को हटा ही दिए, इतना हो गया एल एन एक्स का वैल्यू। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है इस एल एन को लॉग में, तभी हम लोग एक्स का मान निकाल पाएंगे। तो एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये अब बन जाएगा लॉग एक्स, अब बेस 10 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 43.37 हो गया। अब यहाँ पर ये लॉग एक्स हो गया इज इक्वल टू माइनस 43.37 बटा 2.303 हो जाएगा। आप इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 18.83 आ जाएगा, माइनस 18.83 आएगा, किसका वैल्यू, लॉग एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको तो x का मान निकालना है, और यहाँ पर x लगाने के लिए, इस log को उड़ाने के लिए दोनों ही साइड एंटी log लेना पड़ता है। टेकिंग एंटी log अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा एंटी log ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ माइनस 18.83। ठीक है, यहाँ से log से एंटी log खत्म हो गया, x हो गया इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर एंटी log का यहाँ पर टेबल तो आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिए एक बात, जब टेबल आपको एंटीलॉग का देखोगे तो एंटीलॉग में एक बात खास होता है, डेसिमल से इस साइड जो भी होता है, डेसिमल से इस साइड लेफ्ट साइड में जो भी संख्या होगी इसके आंसर में वो 10 के पावर में चली जाएगी। यहाँ पर माइनस 18 था तो यहाँ पर माइनस कितना ले लिए, 18 ले लिए। अब आपको जो भी काम करना होगा एंटीलॉग के टेबल से वो 0.83 के लिए करना होगा, और एंटी लॉग 0.83 का मान जब आप लोग देखने के लिए जाओगे तो वो आएगा 0.1461, इतना मान आपको आएगा एंटी लॉग किसका, 0.83 का। अब ये मान जो है इसी के लिए हम आपको टेबल पढ़ने के लिए बोले हैं, लॉग एंटी लॉग का टेबल पढ़ने के लिए बोले, ताकि एंटी लॉग 0.83 का मान निकाल लीजिए आप एंटी लॉग में, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इधर 2 रहेगा तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, इधर 100 रहेगा तो 10 का पावर 100 हो जाएगा, जो भी इधर रहेगा माइनस में रहे प्लस में रहे वो 10 के पावर में चल जाएगा, पॉइंट के बाद जो रहेगा उसके लिए आपको एंटी लॉग टेबल पढ़ना पड़ेगा। एंटी लॉग टेबल से बस हम यहाँ पर 0.83 का मान निकाले हैं, जो इतना मान आया है, ये आप सोचो कि ये कहाँ से लाए, तो एंटी लॉग टेबल से लाए हैं, ये मान तो यहाँ से आपको सिखाई दिए कैसे निकालना है। ठीक है, ये सिर्फ सब सिखाए हुए हैं लॉग एंटी लॉग का टेबल में। अब फाइनली हम लोग यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो 1.461 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 19 ये हमारा हो जाएगा। ये हो गया x का आंसर, और x हमने माना था इस चीज को, यानी इसका फाइनल आंसर यही हो गया है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, तो आपने बहुत सारे वीडियोज में देखे होंगे जिसमें डायरेक्टली इस ये मान निकाल करके ये बराबर ये कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ हद तक हम सिखाने का प्रयास किए हैं, और वैसे आप भी समझ सकते हो यहाँ पर कि इसमें लॉग एंटी लॉग का टेबल का यूज होगा, तो टेबल के लिए इस वीडियो में तो मिला सकते नहीं थे, इसलिए हम क्या काम किए, टेबल का जो ना जो वीडियो बनाए हुए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप अगर केमिकल काइनेटिक्स का सारा वीडियोस बना रहे हो तो बहुत जगह यूज होगा लॉग एंटी लॉग का, तो आप वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो लॉग एंटी लॉग के टेबल का। वैसे हम यहाँ बता दिए, टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये सारे जो भी लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन सब है वो आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, हिंट में उसका आंसर दिया हुआ रहेगा, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो बस देखते रहना है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।